TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। कैनेडा विच पंजाबी गभरू की अणपछात्या वालों कुटमार, इलाज दौरान हुई मौत। पाकिस्तान विच हिंदू मंदिर ते रॉकेट लंचर नाल हमला। अमरीका विच 11 करोड़ तो वध लोग गर्मी की मार हेठ। दक्षणी कोरिया विच हड़ा ने मचाई भारी तबाही, 35 मौतां। पंजाब विच फिर तो मौसम का विगड़ सकदा मिजाज। बठिंडा जिले के एक होर पिंड ने मारी बाजी। बिक्रम मजीठिया ने नापाक गठजोड़ संबंधी आखी वड्डी गल अते कुछ होर जानकारियां अपने अज के प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तों पहलां इहनां दे उत्ते विस्थारत गलबात की जाए तुहानू सभनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम सुन लैणा, वेख लैणा ते जेकर चंगा लग्गिया फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ए कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैणी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण इकली इकली खबर दे उत्ते विस्थारत गलबात करिए। सब तो पहला तो यह कि पंजाब दे विच फिर तो मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि मौसम का मिजाज विगड़ सकता है। लगभग पंजाब दे सारी जिलों के आने वाले दो दिन दे विच फिर मीह पै सकता है। मौसम विभाग ने पूरे सूबे दे वास्ते ये अलर्ट जारी किया है। हुण तक जानकारी मिल रही है कि हड़ां दे कारण 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जदों कि 3 लोग हाले लापता दसे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हुण तक 26,000 लोगों नूं बचाया जा चुकिया है। 148 राहत कैंपां दे विच 3731 लोग रह रहे हैं। 15 जिले जिन्हां दे विच तरन तारण, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, पटियाला, मोगा, लुधियाणा, मोहाली, शहीद भगत सिंह नगर, फाजिलका, जलंधर, कपूरथला, संगरूर, ये जिले ने जिहड़े सब तो वध प्रभावित ने। 1414 पिंड हड़ दी मार हेठ ने, भाव उन्हां विच पानी दाखल होया है। दूसरे पासे कल ऐतवार वाले दिन पौंग डैम के 5 फ्लड गेट खोल दिते गए, जिस दे कारण दस्या जा रहा है कि 22,700 क्यूसक पानी छड्डिया गया है। तो ये जिहड़ा पानी है सीधा ब्यास के विच जाएगा, जिस दे कारण ब्यास के पानी का पद्धर लगातार वधण की संभावना है। जिस दे कारण ब्यास के आस पास के इलाकों भी अलर्ट कर दिता गया है। पंजाब के माझे दे विच हुण हड़ का खतरा एक बार फिर तो मंडराउण लगे है। पठानकोट नेड़े रणजीत सागर डैम का पानी भी दस्या जा रहा है कि जिहड़ा वह पद्धर है वह खतरे के निशान तो तकरीबन 4 मीटर हेठ है। डैम का पानी 523 मीटर तक पहुँच चुके है, जबकि इसका खतरे का पद्धर 427 मीटर है। फ्लड गेट ये भी किसी वक्त खोले जा सकते हैं। जेकर रणजीत सागर डैम का पानी छड़ दिता जाता है, फ्लड गेट खोल दिते जाते हैं, तो आने वाले दिनों दे विच रावी के पानी का पद्धर वधन की संभावना है। भावें ये पानी सीधा पाकिस्तान पहुँचेगा, पर इस तो पहला पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर विच रावी दरिया के नाल लगते पिंडां दे विच हालात विगड़ सकते हैं। तो हुण गल करते हैं बठिंडा जिले का एक होर पिंड है, ये चंगी खबर है। इस पिंड ने भी बाजी मार ली है। हाले कुछ दिन पहला तुहाडे नाल एक खबर सांझी कीती सी कि बठिंडा जिले का पिंड दुल्लेवाला, जिथों के लोगों ने खास करके नौजवानों ने नशियां नूं ठल पाउण दे वास्ते बीड़ा चुकिया सी। पिंड दे लोगों ने एंटी ड्रग फोर्स बना ली सी कि नशे वेचण वालियां ते शिकंजा कसांगे। इस तरह यह खबर भी बठिंडा जिले नाल संबंधित है। तो पिंड है भागीवांदर, भागीवांदर तो खबर मिली है जिथे पुलिस अते प्रशासन तो जां सरकार तो उम्मीदां छड्ड चुके लोगों ने नशियां दे खिलाफ एक एक्शन कमेटी बना ली है। एक कमेटी पिंड दे नौजवानां ते बजुर्गां दे सहयोग नाल काम कर रही है। कमेटी ने साफ कर दिता है कि पिंड विच ना तां नशेड़ी रहणगे अते ना ही उन्हां नूं वेचण अते सरप्रस्ती करन वालियां नूं पिंड च रहण दिता जाएगा। इहदे तों बाद जदों इह खबर पुलिस ते कन्नी पई तो जानकारी अनुसार पुलिस प्रशासन भी हरकत च आया। इहदे नाल ही DSP तलवंडी साबू बूटा सिंह वो अपनी पुलिस टीम के नाल पिंड च पहुँचे, लोगों नाल मीटिंग की।
नशा तस्करी उन्होंने रोकण के वास्ते चुके जा रहे कदमों के बाबत ज चुके जाने वाले कदमों के बाबत भी उन्होंने फिर विचार वटांदरा किया। इस दौरान पिंड के लोगों ने अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने दसिया कि पिंड दे विच चीनी भाव चीनी भी चिट्टी हुंदी है, वो कहिंदे चिट्टी चीनी के मुकाबले चिट्टे की वध खपत हो रही है, अंदाजा ला लो हुण तुसीं किन्ने क औखे होणगे लोग। वो कहिंदे इत्थे तस्कर नौजवानों नूं खुल्लेआम नशे की सप्लाई कर रहे हैं। पिंड विच करियाने दीआं दुकानां ते करियाना घट ते चिट्टे की विक्री कहिंदे ज़्यादा हुंदी है। इहदे तों बाद डी एस पी बूटा सिंह ने आख्या कि पुलिस भी पिंड वासियां दे नाल है, तुसीं सानूं दसो असीं जिहड़ियां गल्लां दसोगे जिहड़ी थां दसोगे छापेमारियां करांगे अते उहनां तस्करां दे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाऊगी। लोग कहिंदे असीं कि चिट्टे तो बड़े परेशान हैं, इहदा सेवन करदे आ बहुत सारे लोग ते बहुत सारे नौजवान ये सेवन करके मर चुके हैं। घरां विच चोरियां आम हो गईयां ने, रात नूं घरां दे विचों निकलना मुश्किल हो रहा है। नशे लई लुट्टण वाले लोग नाकाबंदी करके सड़कां ते बैठ जांदे आ, आउण जाले वाले लोगों नूं उह लुट्टदे आ ते लुट के फरार हो जांदे आ। जे कोई उहनां दा विरोध करदा है तां विरोध करन वालियां ते उह जानलेवा हमले करदे आ। इन्हां समस्यावां तों छुटकारा पाउण दे लई फिर पिंड दे लोग इकट्ठे होए, इकट्ठे होकर उन्होंने समूहक तौर पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी का उद्देश अपने अपने वार्ड में नशा मुक्त बनाना है। पिंड दीआं औरतां दे नाल जदों गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि चिट्टा नशा पिंड विच आम विकदा है ते बाहरों भी कई लोग नशा खरीदण दे वास्ते उन्हां दे विच पिंड विच आउंदे आ। ते हुण अगली खबर बठिंडा दे नाल लगदा जिला मानसा, यह खबर मानसा नाल संबंधित है। परमिंदर सिंह उर्फ झोटा उन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद मानसा पुलिस के खिलाफ आम लोगों ने रज के प्रदर्शन किया। सैकड़ों की गिणती दे विच लोग इकट्ठे होकर पुलिस का विरोध कर रहे सी, नारेबाजी कर रहे सी। इन्हां लोगों का कहना है कि परमिंदर सिंह उर्फ झोटे दे वल्लों नशियां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही सी। परमिंदर सिंह की गिरफ्तारी तो बाद मानसा के लोगों ने थाने के बाहर हंगामा भी किया अते पुलिस ने इस एक्शन नूं गलत करार भी दिता है। तो उन्होंने ये कहा है कि जिहड़े लोग नशियां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, नशा बंद करवाउण दी कोशिश जां कोशिशां करते हैं तो पुलिस उन्हां दे नाल खड़न दी बजाय उल्टा धक्का करन लग जाती है। स्थानक लोगों ने दसिया कि परमिंदर सिंह नूं पूरी दुनिया जाणदी है कि उन्हें नशियां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद की है तो इन्हां नूं नत्थ पाई है। मैडिकल चोरां दे खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने खुलासा किया कि मानसा के मैडिकल स्टोर अद्धे पंजाब नूं नशा सप्लाई करते हैं। लोगों ने यह भी दसिया कि असी मंग करते हाँ कि इस झूठे परचे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नशा तस्करां दे खिलाफ एक्शन लैण की बजाए नशिया विरुद्ध एक्शन लैण वालियां दे खिलाफ जिहड़ी पुलिस कार्रवाई कर रही है उन्होंने गिरफ़्तार कर रही है, ये बंद की जाए। उन्होंने पुलिस नूं धमकी दित्ती है कि जेकर परमिंदर सिंह उर्फ झोटा नूं रिहा ना किया गया तां 21 जुलाई नूं एक वड्डा इकट्ठ करनगे। दूसरे पासे इस दे मुतल्लक मानसा दे SSP नानक सिंह दे नाल जदों गलबात की तां नानक सिंह ने दसिया कि परमिंदर सिंह दे वल्लों 12 जुलाई नूं मानसा दे एक मैडिकल स्टोर दे विच दाखल होके अश्वनी कुमार नाम दे एक नौजवान दे नाल कुटमार की गई। बाजार दे विच उहदा जलूस कढ़िया गया, गल दे विच जुत्तियां पा के घुमाया गया ते फिर उहनूं पुलिस हवाले किया गया। परमिंदर सिंह नूं कानून अपने हाथ विच लैण दे दोष दे विच गिरफ़्तार किया गया है। ते हुण अगली गल करदे आं, केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों दे नाल मुलाकात करनी है ते इह मुलाकात दा समां अज भाव सोमवार नूं निर्धारित किया गया है। नशा तस्करी आम, उहदे उत्ते चिंता वी है लोकां दी ते नाल ही कौमी सुरक्षा मुल्क दे सामने वड्डियां चुनौतियां ने। इहनां नूं इह लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वख-वख सूबियां दे मुख्यमंत्रियों दे नाल अज एक अहम मीटिंग करनगे ते मीटिंग सोमवार की सवेर 11 बजे शुरू होएगी। इहदे विच दस्सिया जा रहा कि भारत के 10 सूबियां दे मुख्यमंत्रियों दे नाल उह मीटिंग करनगे ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए इस मीटिंग विच शामिल होणगे। सरहदी सूबा होण दे कारण आए दिन पाकिस्तान दे वल्लों ड्रोन दे जरिए नशा भी भेजा जा रहा है ते हथियार भी आ रहे ने, जिसनू BSF के वलों कई बार नाकाम भी कर दिता जाता है। इस मीटिंग के दौरान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों हो सकता है कि जो ड्रोन के जरिए उधरों नशा ज हथियार आते हैं इस मुद्दे को उठाया जाए। मीटिंग विच केड़ा मुद्दा किवें विचारिया जाता है कल के प्रोग्राम दौरान वो उत्ते गलबात करांगे। तो हुण गल करदे हां बिक्रम सिंह मजीठिया के एक ट्वीट के उत्ते। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ने बिक्रम सिंह मजीठिया उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ते तिखा निशाना बन्नया है, वड्डे सवाल किए हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने जिहड़ा ट्वीट किया उन्होंने लिखे है कि आम आदमी पार्टी दे नाल कांग्रेस का जिहड़ा नापाक गठजोड़ है वो एक बार फिर तो बेनकाब हो गया है। दिल्ली दे विच दरअसल प्रशासकी शक्तियों नूं खत्म करदे ऑर्डीनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का आप समर्थन दर्शाता है कि दोवें पार्टियां एक मिक ने अते एक इन्हां दा गुप्त गठजोड़ है जो एक बार फिर सामने आ गया है। पंजाबी अजिहियां पार्टियां ते कदे भी भरोसा नहीं कर सकते, ये बिक्रम सिंह मजीठिया लिख रहे हैं, जो लोगों के सामने एक दूजे का विरोध करदियां ने पर अपने वोटरां दीआं भावनावां दे विरुद्ध ये हत्थी सौदा भी करदियां ने। पंजाब दे विच अपने हितों लई लड़न वाली कांग्रेस पार्टी ते पंजाबियों नूं कदे भी भरोसा हो ही नहीं सकता। ये बिक्रम सिंह मजीठिया के ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा जो लिख रहे हैं, क्योंकि कहिंदे अजिहा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दे विच अपने भ्रिष्ट नेतावां दे विरुद्ध कार्रवाई नूं रोकण दे वास्ते आम आदमी पार्टी का समर्थन करदा राह अपना लिया, समर्थन करना चुन लिया। दसना बनता है कि कांग्रेस ने मानसून इजलास के दौरान दिल्ली के नाल जुड़े केंद्र सरकार के ऑर्डीनेंस का संसद के विच विरोध करन दा संकेत दे दिता है। पार्टी का यह संकेत दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर दसना बनता कि बेहद अहम है, क्योंकि विरोधी धिर की सब तो वड्डी पार्टी के ऑर्डीनेंस के खिलाफ आने के नाल राज्यसभा च इस जेकर बिल आउंदा उहनूं पास करवाउण लई मोदी सरकार नूं भारी मुशक्कत करनी पएगी। कांग्रेस संसदी दल की प्रधान सोनिया गांधी की अगवाई दे विच शनिचरवार नूं पार्टी के संसदी रणनीतिक ग्रुप की एक बैठक हुई है ते उहदे विच मानसून इजलास के बारे विचार चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली दीआं सरकारी सेवावां दे नाल जुड़े केंद्र के आर्डीनेंस का विरोध करन दा फैसला कर लिया गया। दसना बनता है कि प्रताप सिंह बाजवा ने तो इतों तक आख दिता सी जदों पुछया गया सी कि की कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी तो उन्होंने आख्या सी हाईकमांड किहड़ा साडे तो बाहर है, वो साडे खिलाफ जाके कदे भी फैसला नहीं करनगे, असीं उन्हां नूं अपना फैसला सुना दिता है। इस तरह राजा वड़िंग ने भी आख्या सी, भाव इन्हां दा मनना सी, ये कहिंदे सी कि पंजाब दे विच सानूं बहुत तंग करदी आ आम आदमी पार्टी की सरकार, साडे तां अद्धों वध आगूआं दे उत्ते जां केस पा दित्ते जां उन्हां नूं जेल यात्रा करवा दित्ती है, इस करके असीं किसी भी मसले के उत्ते आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करांगे। जदों कि आम आदमी पार्टी कहिंदी सी कि लोकतंत्र का घाणा इहदे उत्ते सारियां विरोधी धिरां नूं इकट्ठा होना चाहिए। इत्थे टिप्पणी करनी बनती है कि जिस तरीके नाल बिक्रम सिंह मजीठिया साहब कहिंदे ने कि इन्हां दा नापाक गठजोड़ सामने आ गया, फिर इस मुद्दे के उत्ते तकरीबन बहुत सारिया विरोधी पार्टियां ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया कि वह सारिया पार्टियां दे नाल फिर आम आदमी पार्टी का गठजोड़ है या नहीं, ये भी बिक्रम सिंह मजीठिया जेकर साफ कर देंदे तो चंगा होना सी। ते हुण गल करदे आ कैनेडा वाले पास्यों दो बहुत मंदभागियां खबर आईया ने, दोवें पंजाब ते पंजाबियों दे नाल जुड़िया हुई ने। ब्लॉक सड़ोआ का पिंड है करीमपुर चाह वाला, उत्थों दे नौजवान की कैनेडा दे विच मौत हुई है। जानकारी मिली है कि कुछ अणपछाते व्यक्तियों के वलों कार ते उहदी ते हमला कर दिता गया सी, कुटमार कर दिती गई सी ते इह नौजवान गंभीर जख्मी हो गया सी ते हुण उहदी मौत हो गई है। जानकारी दे अनुसार मंड इलाके दे रहण वाले 24 साला नौजवान गुरविंदर दी जिसनूं गनी कहिंदे सी उहदी मौत हुई है ते 2021 दे विच उह अंतरराष्ट्री विद्यार्थी दे तौर ते कैनेडा आया सी। गुरविंदर बीते दिन अपने काम ते जा रहा सी, रस्ते दे विच अणपछाते व्यक्तियों के वलों उहदे उत्ते हमला कर दिता गया सी जिस दे कारण गुरविंदर गंभीर जख्मी हो गया सी अते उसनू हस्पताल दे विच भर्ती करवाउणा पिया सी, जिथे वह जख्मां दी ताब सहार नहीं सकिया अते उसकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार के वलों गुरविंदर की लाश नू पिंड लिजाण दे वास्ते तैयारियां कीतियां जा रही ने, बहुत मंदभागी खबर है। इस तरह एक होर खबर
भी कैनेडा दे विच्चों ते भी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दे नाल ही संबंधित है। लुधियाणा जिले का पिंड डांगो है, डांगो का 21 साल नौजवान इंदराज सिंह यह भी कैनेडा दे विच पढ़न वास्ते आया, स्टडी वीजे ते आया सी, इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आया सी। ऐतवार वाले दिन इसकी भी मौत हो गई। जदों मौत की खबर पिंड पहुंची है तो पिंड दे विच मातम छा गया। इंदराज सिंह दे पिता बलविंदर सिंह ने दस्या कि उन्हें इंदराज नूं आईलैट्स करवा के दसंबर 2022 दे विच ही कैनेडा दे शहर सरी दे विच भेजिया सी। कुछ दिन पहला वो अपने दोस्त दे नाल पार्टी ते गया सी, रब जाने उत्थे की खादा पीता, खाण पीण दे कारण वो कहिंदे उहदी सेहत विगड़ गई ते उहनूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, पर हस्पताल दे विच इलाज दौरान उसकी भी मौत हो गई है। बहुत दोवें मंदभागियां खबरां ने। तो हुण गल करदे आं पाकिस्तान की खबर मिली है, उधरों खबर ये भी कोई चंगी नहीं। पाकिस्तान च सिंध दे काशमोर दे विच ऐतवार की सवेर एक हिंदू मंदिर दे उत्ते रॉकेट लांचर दे नाल हमला कर दिता गया। हमलावरां ने मंदिर अते आस पास के हिंदू भाईचारे दे घरां ते भी दस्या जा रहा कि अन्नेवाह गोलीबारी की। गोली चलण दीआं आवाज़ां सुन के दस्या जा रहा कि पुलिस मौके ते भी पहुंची, पर उदों तक दस्या जा रहा कि हमलावर फरार हो चुके सी। यह भी तुहानूं मैं दस दिआं कि पाकिस्तान दे विच बीते 48 घंटिआं दे विच हिंदू मंदिर दे विच भन तोड़ दी इह दूसरी घटना सामने आई है। इहदे तों पहलां कराची दे विच शुक्रवार की रात नूं 150 साल पुराने हिंदू मंदिर नूं ढा दित्ता गया सी। उत्थों दे लोकां ने दस्या सी कि रात नूं मारी माता मंदिर ते बुलडोजर चला दिता गया। उस समय इलाके दे विच जदों बुलडोजर चलाया गया बिजली नहीं सी। पुलिस अधिकारी ने दस्या कि ऐतवार नूं होए हमले के दौरान मंदिर बंद सी, इस वास्ते मंदिर का ज़्यादा नुकसान नहीं होया। हमलावरां ने मंदिर के नेड़े रहिंदे हिंदू भाईचारे के लोगों के घरां ते जरूर हमला कर दिता। शुरुआती जिहड़ी जांच की गई है उहदे अनुसार यह पता लग्या कि हमलावरां की गिणती 8 तों 9 सी। पुलिस कहिंदी असी उन्हां दी इस वक्त भाल कर रहे हैं ते तलाशी मुहिम विड्ढी हुई है। दसना बनता कि कुछ ही दिन पहला काशमोर ते घोटकी नदी खेतरां दे विच सरगर्म डकैतां ने सीमा हैदर जाखराणी की पबजी प्रेम कहानी का बदला लैण लई हिंदू पूजा स्थानां ते हिंदू भाईचारे के मैंबरां ते हमला करन की धमकी भी दित्ती सी। सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा दे विच रहण वाले अपने प्रेमी सचिन मीणा दे नाल रहण दे वास्ते अपने 4 बच्चों के नाल पाकिस्तान तो भारत आई हुई है। उत्थों का मशहूर अखबार है डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बागड़ी भाईचारे द्वारा आयोजित धार्मिक सेवावां लई मंदिर हर साल खोलिया जाता है। कराची के लोगों ने दस्या कि शुक्रवार की रात को कुछ लोग बुलडोजर लेके गए उत्थे अते मारी माता मंदिर की बाहरी दीवार अते मुख गेट नूं छड्ड के पूरे मंदिर नूं अंदरों तबाह कर दिता, नेस्तू नाबूद कर दिता। तो जानकारी के अनुसार ये रिपोर्ट कहती है कि जदों मंदिर नूं ढाउण की कोशिश की जा रही सी, मंदिर ढाया जा रहा सी, तां मंदिर नूं ढाउण वाले की सुरक्षा के वास्ते उत्थे पुलिस भी तैनात सी। तो ये मारी मंदिर मुखी चोहेतरम रोड ते स्थित दस्या जांदा है। उत्थों थोड़ी दूरी सोल्जर बाजार थाना भी है। जानकारी के अनुसार मंदिर की जमीन एक शॉपिंग प्लाजा के प्रमोटर 7 करोड़ रुपए विच वेच दिती गई है, तो इसलिए मंदिर ढाया गया है। दसना बनता है कि जून 2022 दे विच भी मारी माता मंदिर दे विच देवी देवतियां दी मूर्तियां तोड़ दिता गया सी। दूसरे पासे मनुखी अधिकार कमिशन ने पाकिस्तान के सिंध सूबे दे विच एक अपराधी गिरोह के वलों 30 हिंदू औरतों ते बच्चों बंदी बनाए जाने ते चिंता प्रगटाई है। सिंध के काशमोर अते घोटकी जिलों के विच विगड़दी इस कानून व्यवस्था ते भी उन्हां दे वल्लों सवाल उठाए गए ने। कमिशन ने कहा कि सिंध के गृह विभाग नूं हिंदू मंदिरां ते होए हमलों की जांच करवानी चाहीदी है ता कि लोगों के विचों ये डर का जिहड़ा माहौल है उसनों दूर किया जा सके। तो हुण गल करदे आं साडे गुआंढी मुल्क अमरीका की, किते डोबा है तो किते सोका है। भारत दे विच जिथे लोग भारी मीह अते हड़ां दे कारण बड़े परेशान ने, कई लोगों के जी नुकसाने गए, फसलां नुकसानियां गई ने, पशु धन नुकसानिया गया। इस नाल ही अमरीका दे विच लगातार पारा वध रहा, टैंपरेचर वध रहा, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार
अमरीका दे विच आने वाले हफ्ते भाव अगले हफ्ते तापमान खतरनाक पद्धर ते जा सकता है ते इहदी लपेट दे विच 11 करोड़ 30 लाख लोग आ सकते हैं। फलोरिडा कैलिफोर्निया अते वाशिंगटन दे विच इस संबंधी एक अडवाइजरी भी जारी कर दिती गई है। अमरीका दी नैशनल वैदर सर्विस ने लोगों को कहा कि अपनी सेहत को लेकर कोई भी खतरा मुल ना लैन। अमरीका दे विच कितनी गर्मी है इहदा अंदाज़ा तुसी इस गल तो ला सकते हो कि शनिवार वाले दिन अमरीका दे एरीजोना सूबे दे विच जिहड़ा तापमान सी वह 48 डिग्री सैलसीयस तक पहुँच गया सी। अंदाज़ा लाओ तो कितना गर्म दिन होएगा। अमरीकी मौसम विभाग ने दस्सिया है कि जिहड़ा आने वाला हफ्ता है इस अगले हफ्ते दे विच कैलिफोर्निया की डैथ वैली का जिहड़ा पारा है वह 54 डिग्री तक पहुँच सकता है। तो डैथ वैली दुनिया दियां सब तो गर्म थावां दे विचों एक है। तो अगले हफ्ते पारा होर वधण तो बाद ये दुनिया का हुण तक का सब तो उच्च तापमान वाला स्थान बन जाएगा। दूसरे पासे सेहत विभाग ने भी आख्या कि यह गर्मी उन्हां लोकां लई घातक साबित हो सकती है जिन्हां कोल ठंडा करन दे वास्ते योग साधन नहीं ने। अमरीका दे विच इह वी दसणा बनदा कि लगभग हर साल 700 लोग गर्मी के कारण मौत के मूँह चले जाते हैं। तो दूसरे पासे यूरोप दे वाले पासे नज़र मारदे हैं तो यूरोप की पुलाड़ एजेंसी ने इटली स्पेन फ्रांस जर्मनी अते पोलैंड दे विच भी गर्मी नूं लैके अलर्ट जारी कर दिता है। इटली ने रोम अते फ्लोरेंस समेत अपने 16 शहरों के वास्ते हीट वेव की चेतावनी जारी कर दिती है, भाव लू की चेतावनी जारी कर दिती है। रोम दे विच तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। उत्थों की सरकार ने लोगों को सवेरे 11 बजे तो शाम 6 बजे तक धुप च ना जाने की सलाह दी है। वधदे तापमान कारण स्पेन के कैनरी टापू के जंगलों के अग लग गई है। उत्थों 500 लोगों को एवैकुएट कर दिता गया, सुरक्षित थावां ते भेज दिता गया है। ये नाल ही ग्रीस के भी दसिया जा रहा है कि लोग गर्मी तो काफ़ी परेशान ने ते ग्रीस के जंगलों अग लगन का इस गर्मी के कारण खतरा वध गया। तो हुण गल करदे हां दक्षणी कोरिया की। जिवें पंजाब समेत भारत के बहुत सारे हिस्से हड़ां की लपेट विच ने, दक्षणी कोरिया तो भी खबरां उस तरह दियां आ रही ने। तकरीबन हफ्ता हो गया उत्थे भी भारी बरसात हो रही है जिस करके उत्थे भी हड़ां के हालात बने हुए ने। जानकारी मुताबक कई थावां ते जमीन खिसकी है, कई थावां ते पानी भर गया है जिस कारण हुण तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,866 लोगों को बचा के सुरक्षित थावां ते पुजदा किया गया है। उत्थों के प्रधानमंत्री ने फौज को फसे हुए लोगों को बचाने वास्ते मदद करने वास्ते आख दिता है। ये ही ऐतवार वाले दिन चेंगोजू इलाके दे विच एक सुरंग दे विच एक टनल दे विच पानी भर गया जिसके कारण एक बस समेत 15 गड्डियां उत्थे फस गई। तो हुण तक जानकारी मिली है कि सुरंग दे विचों 9 लोगों दीआं लाशां बरामद कीतीआं जा चुकीआं ने। अधिकारियों का मनना है कि ये लोग समय सिर बचाए नहीं जा सके डुबण कारण जिस कारण उन्हां दी मौत हो गई ते 10 लोग हाले भी लापता दसे जा रहे हैं। दक्षणी कोरिया दे विच भारी मीह दे कारण नदियां काफ़ी उछलियां नज़र आ रही ने। दक्षणी कोरिया दे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबक 25,470 घरां दे विच एक हफ्ते तो बिजली नहीं है। खराब मौसम के कारण उत्थे 20 तो वध उड़ाना रद्द कर दित्तियां गईआं ने। इहदे तो इलावा जिहड़ियां रेल पटड़ियां ने उत्थे भी पानी भरन के कारण जां रद्द कर दित्तियां गईआं ने जां उन्हां दी रफ्तार घटा दित्ती गई है। यह भी दस्या जा रहा है कि 200 तो वध सड़कां ने जिहड़ियां इस वक्त उत्थे भारी बरसात के कारण बंद कीतियां होईआं ने। सो दोस्तो यह सी कुल मिला के अपना अज दा प्रोग्राम। उम्मीद कर रहे हैं तुहानू चंगा लग्या होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना। जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समां समाप्त है। जाण तो पहलां कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब राखा।